नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम बीके न्यूज चैनल सच का साथ। की खबर सिंगरौली मध्य प्रदेश से आ रही। सिंगरौली जिले के सरई थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुरिया फाट पानी के पास 32 सीटर बस में, जहां पर बता दें 50 से ज्यादा सवारी बैठने की वजह से बस अनियंत्रित होकर पलट गई। देखिए हमारी रिपोर्ट। सिंगरौली जिले के सरई थाना अंतर्गत ग्राम सुरियारी फाट पानी के पास 32 सीटर बस में 50 से ज्यादा सवारी बैठाने की वजह से बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें करीब एक दर्जन लोगों को गंभीर चोटें आईं। सिंगरौली जबलपुर के प्रभारी आरटीओ संतोष पाल ने टेलीफोनिक बातचीत में कहा कि बस मालिक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 32 सीटर में 50 से ज्यादा सवारी बैठना गलत है। फिटनेस परमिट के सवाल पर उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से सरकार ने 30 जून तक सभी का फिटनेस परमिट बढ़ा दिया है। वहीं बताया जा रहा है, शाहवाल बस शाम को गजराहा बहरा के लंघाडूल की तरफ जा रही थी, तभी सुरियारी फाट पानी मोड़ पर अनियंत्रित होकर अचानक पलट जाने से दर्जन भर लोगों को गंभीर चोटें आई हैं।